हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1000 सीरीज़ की, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। टेंजिबल असेट्स डू नॉट इंक्लूड। अब जो टेंजिबल असेट्स है वो क्या इंक्लूड नहीं करती है, इसमें आपको ये बताना है। गुडविल, फर्नीचर, स्टॉक या फिर कैश, बताइए। देखिए, टेंजिबल असेट्स क्या होती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। तो फर्नीचर, स्टॉक एंड कैश, इन सबको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन गुडविल को नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या ये हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज। अब क्रेडिट बैलेंस जो है पर्सनल अकाउंट का, वो क्या है? कैश इन हैंड है, अमाउंट रिसीवेबल है, अमाउंट अर्न है, या फिर अमाउंट पेएबल है? जल्दी से आंसर करिए इसका। देखिए, क्रेडिट बैलेंस पूछा है, तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है आपको कोई अमाउंट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अमाउंट पेएबल। और अगर डेबिट की बात करते हो, तो डेबिट का मतलब होता है आपको कुछ रिसीव करना है, तो वो हो जाता है अमाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्रेडिट बैलेंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस क्या है? एन अकाउंट, सब्सिडरी बुक, अ लिस्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। जल्दी से आंसर करिए। देखिए, ट्रायल बैलेंस जो होता है, एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हमारे डेबिट और क्रेडिट जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी यहाँ पर हमें डिटेल दी होती है कि इस अकाउंट में हमने इतना एक्सपेंडिचर किया, ठीक है। तो एक लिस्ट होती है, ये कोई अकाउंट नहीं होता, ना ही कोई ये हमारे सब्सिडरी बुक से रिलेटेड होता है। ये बस हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पर हम अपने ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट और उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ड्यू डेट क्या होती है? मिडिल डेट ऑफ करंट अकाउंट, सर्टेन डेट डिटरमाइंड बाय क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, एवरेज डेट ऑफ पेमेंट, या फिर डेट ऑफ अकाउंट प्रिपेयरिंग? आंसर करिए जल्दी से। देखिए, एवरेज डेट जो होती है वो हमारी एवरेज डेट ऑफ पेमेंट बताती है, यानी कि ऐसी डेट जिस पर हम पेमेंट करें तो किसी भी तरह से दोनों पार्टी में से किसी की कोई भी, अब इसमें दो पार्टी होती हैं, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है डेटर, तो किसी भी पार्टी की इंटरेस्ट का लॉस ना हो। क्योंकि अगर पहले पेमेंट कर देंगे तो किसका लॉस होगा? डेटर का। और अगर पहले यहाँ पर क्रेडिटर का फायदा हो जाएगा, और अगर देर से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर डेटर का फायदा होगा लेकिन क्रेडिटर का लॉस हो जाएगा। इसलिए बीच की डेट निकाली जाती है, जिसको बोलते हैं एवरेज डेट ऑफ पेमेंट, जिस पर ना डेटर को कोई प्रॉब्लम होगी ना ही क्रेडिटर को, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट डेट है, क्वेश्चन है, विच इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बतानी है। देखिए, ये आप सबको पता है, जब भी हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो एक साइड होती है हमारी कैपिटल और लाइबिलिटी साइड में, और दूसरी साइड होती है हमारी असेट्स। तो अगर यहाँ पर हम ये वाला इक्वेशन करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, वो सॉरी सॉरी
ये वाला इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला इक्वेशन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि असेट्स और कैपिटल को प्लस करेंगे तो लाइबिलिटीज इक्वल नहीं होंगी, और ये कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस प्लस लाइबिलिटीज, ये भी गलत इक्वेशन है। एंड ये भी इक्वेशन ये होती है, ये हमारी होती है लाइबिलिटी साइड, और इधर होती है हमारी असेट साइड जहाँ टोटल असेट्स होती हैं, और यहाँ पर हमारी कैपिटल होती है और साथ में लाइबिलिटीज होती हैं। तो इन दोनों, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर देखिए ये वाला फर्स्ट इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही है, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग अ चेकर। अब जो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग है वो कितनी तरह की होती है आपको ये बताना है। टू है, थ्री है, फोर है या सिक्स है, और अगर नाम भी पता हो कि ये टाइप है और ये इनके नाम है तो वो भी मेंशन कर दीजिए। देखिए राइट आंसर है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ चेक की बात करें तो वो है दो, दो तरह की चेकिंग होती है, क्रॉसिंग होती है हमारी, एक होती है हम बात करें तो जनरल क्रॉसिंग और एक होती है हमारी स्पेशल क्रॉसिंग। देखिए जनरल क्रॉसिंग वो होती है जब अकाउंट के साइड में हम दो यहाँ पर लाइन करते हैं, ठीक है, दो लाइन कर देंगे और फिर यहाँ पर बीच में क्या लिखेंगे, अकाउंट पे ओनली, तो ये तो हो गया हमारा जनरल क्रॉसिंग। और अगर हम बात करें स्पेशल क्रॉसिंग की, तो किसी भी चेक के साइड में जब हम दो लाइन करते हैं और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम भी लिखते हैं तो वो हमारा हो जाता है स्पेशल क्रॉसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में है बोथ डेटर एंड क्रेडिटर बैलेंस, ओनली कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ओनली कैश कॉलम, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बोथ बैंक एंड कैश कॉलम, या फिर नाइदर बैंक नॉर कैश कॉलम, बताइए। आंसर करिए जल्दी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर हम कैश कॉलम की बात करते हैं तो कैश कॉलम में सिर्फ उतना ही कैश होगा, मतलब जितना ही कैश होगा हम उतना ही तो यूज़ करेंगे, एक्स्ट्रा कैश तो यूज़ कर नहीं सकते। लेकिन बैंक कॉलम में क्या होता है, हम कई बार लोन भी ले लेते हैं, यानी कि हमारे पास कैश ना होकर भी हम उसको उससे ज़्यादा एक्सपेंस कर देते हैं, अपने अकाउंट में ना होकर भी ज़्यादा उसको खर्च कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमें हो सकता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमने ले रखी हो, लोन फैसिलिटी हमने ले रखी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डेबिट साइड भी हो सकता है बैलेंस और क्रेडिट साइड भी हो सकता है बैलेंस। नेक्स्ट है द लोअरेस्ट एनक्लोजर ऑफ फाइलिंग इज द फाइल, बताइए लोअरेस्ट एनक्लोजर कौन सा है फाइलिंग का, फाइल के अंदर वायर फाइलिंग, हैंगिंग फाइलिंग, स्टैंडिंग फाइलिंग, या फिर बोथ बी एंड सी। देखिए सबसे लोएस्ट की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वायर फाइलिंग। वायर फाइलिंग क्या होता है, आप कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं और वहाँ पर आप सबसे कम जहाँ पर बहुत कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं पेपर पर, यानी कि पेपर का वहाँ पे एक्सचेंज बहुत कम होता है, तो वहाँ पर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, क्योंकि कम पेपर होंगे वो लोग कहीं एक वायर टंगा कर उस पर अपने सारे पेपर हैंग कर सकते हैं। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके पास डॉक्यूमेंट कम है, डॉक्यूमेंट ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर आप एक वायर पे सारे डॉक्यूमेंट हैंग नहीं कर सकते, इसलिए लोएस्ट फॉर्म है यहाँ पर वायर फाइलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोल्डर फाइल, वन टू थ्री एंड फोर, बताइए कितनी तरह के फोल्डर फाइल होती हैं हमारी। देखिए फोल्डर फाइल की बात करें तो दो तरह की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द आइडियल ऑफ फाइलिंग डिपेंड्स ऑन, अब
एक आइडियल फाइलिंग सिस्टम किस पर डिपेंड करता है? कैपिटल पर, प्रोडक्शन पर, कंस्ट्रक्शन या फिर फॉर्म ऑफ बिजनेस पर? अगेन वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन. 2019 का ओवरऑल पेपर देखें तो सिंपल आया था. देखिए डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, द फॉर्म ऑफ बिजनेस. जैसा कि मैंने आपको इस पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, जहाँ कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं. अब कम ट्रांजेक्शन्स कहाँ होंगे? या तो कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी कि सारे वहाँ पर काम मशीन से होते हैं, ठीक है, पेपर वर्क भी मशीन के थ्रू होता है, या तो ऐसा फॉर्म हो बिजनेस का, तब वहाँ पर हम डिपेंड करेंगे, ठीक है, और कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए, या फिर वहाँ पर सारा काम कैसा होता है, स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बिजनेस का टाइप क्या है. तो हम आइडियल सिस्टम एक कोई एक पर्टिकुलर लेकर नहीं चल सकते. स्टेटमेंट अबाउट जीडीपी इज करेक्ट. अब जीडीपी में के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है? जल्दी से बताइए. देखिए एक्स का मतलब यहाँ पे गुड्स से है, एम का मतलब सर्विस से है. देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी. जब जीएनपी में से हम गुड्स एंड सर्विस, जो भी हमारी जो फाइनल गुड्स है और सर्विस है, वो जो उसका जो पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन निकल कर आता है, यानी कि जीएनपी में से जितने भी हमने गुड्स यहाँ पर गुड्स की डीलिंग की है और जितनी भी सर्विस है उसको यहाँ पर प्रोड्यूस किया या उसकी डीलिंग की है एक अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग ईयर में, वो हम दोनों यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो फाइनल हमारा आउटपुट निकल कर आता है वो हमारा जीडीपी बताया जाता है. तो यहाँ पर इक्वेशन ए भी सही है. और सेकंड इक्वेशन देखें तो नॉर्मल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस, ये इक्वेशन भी हमारा सही है. क्योंकि नॉर्मल जीडीपी क्या होती है, वो हमारी बताती है जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस पर, ठीक है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट है, इसलिए बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. जीडीपी के अकॉर्डिंग ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है. अगर आपको जीडीपी से रिलेटेड है, जीडीपी आपको नहीं समझ में आ रही है क्या किस तरह से डीलिंग होती है, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, तो प्लीज़ बता दीजिएगा, हम एक थ्योरी इसके ऊपर कर लेंगे जिससे कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू नेशनल इनकम वाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम? ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, कॉर्पोरेट टैक्सेस या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? जल्दी करते हैं, आज 12 क्वेश्चन ही हुए हैं और टाइम हमारा काफी हो चुका है, ठीक है, जल्दी बताइए. देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अपने आंसर्स की, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, जल्दी बताइए फिर मैं बताऊं आपको. ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स. अब ए क्यों है? देखिए जो इंडिविजुअल इनकम जो होती है उस, और जो पर कैपिटा इनकम है, दोनों हमारी सेम है, और ये टोटल जो होता है ये वो हमारी इनकम बताता है जिसमें हमारा एक्चुअली एक इंडिविजुअल या डोमेस्टिक रीजन में किसी पर्सन ने रिसीव की है. यानी कि पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर डोनेशन, ये हम माइनस कर देंगे, और साथ में अगर इसमें हम ट्रांसफरेबल इनकम, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लोन्स, इसको प्लस कर देंगे, तब हमारी पर कैपिटा इनकम निकल कर आएगी, ठीक है. तो यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा. इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पर कैपिटा इनकम वो इनकम होती है जिसमें एक पर्सन अपने सारे खर्चों को निकालने के बाद जो उसके पास बचता है, ठीक है, यानी एक इंडिविजुअल की क्या इनकम है वो. नेक्स्ट है, इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड, एन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल डिक्रीज टोटल यूटिलिटी, एन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल इंक्रीज टोटल यूटिलिटी, या फिर बोथ ए एंड बी, बताइए.
बहुत सिंपल है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आंसर ए होगा। देखिए जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज पहुंचाती है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वहां जीरो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ऑलिगोपॉली। इसमें से कौन सा ऑलिगोपॉली का फीचर नहीं है? आंसर करिए जल्दी। स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स, एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ फर्म, पॉसिबिलिटी ऑफ फर्म फॉर्मिंग कार्टेल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पॉसिबिलिटी ऑफ फर्म फॉर्मिंग कार्टेल, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ फर्म फॉर्मिंग कार्टेल ये इसका फीचर नहीं है, जबकि स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स की बात करते हैं, यहाँ पर हम म्यूचुअल डिपेंडेंस की बात करते हैं कि उसका यहाँ पे एब्सेंस है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये ओलिगोपॉली का फीचर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी इज एट इंक्रीजिंग इज एट अ मैक्सिमम विद द फर्स्ट यूनिट, सेकंड है इंक्रीजिंग यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड है टोटल यूटिलिटी विल राइज एट अ फॉलिंग रेट एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, एंड फोर्थ है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट्स विल फॉल एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। बताइए। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन इंक्रीज होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी, ए आर इज इक्वल टू एम आर, बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। बताइए। देखिए नॉट करेक्ट की बात पूछी है तो ये ऑप्शन फोर्थ देखिए, फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये इस तरह का मार्केट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स क्या होते हैं नहीं होते, यानी कि नो नंबर ऑफ सेलर्स, इसलिए क्या होती है फर्म यहाँ पर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है वो रिसीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की हम बात नहीं करेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स ही इतने नहीं है तो फर्म प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है लॉन्ग रन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट, डोमेस्टिक लोन, डोमेस्टिक कैपिटल फाइनेंस, कॉर्पोरेट टर्म लोन्स, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। देखिए इसका राइट आंसर होगा ए, डोमेस्टिक लोन्स, क्योंकि रिटेल बैंकिंग को हम कंज्यूमर बैंकिंग भी बोलते हैं, ये एक मास मार्केटिंग का एक प्रोडक्ट है, मास मार्केट बैंकिंग का, इसके अंदर इंडिविजुअल कस्टमर अपने लोकल ब्रांचेस से लार्ज कॉमर्शियल बैंक्स जो होती हैं उनकी लोकल ब्रांचेस को यूज़ करते हैं, उनकी सर्विस और लेते हैं, जैसे कि चेकिंग अकाउंट्स, मॉर्गेज, पर्सनल लोन्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इस तरह की चीज़ें लेते हैं, इसलिए यहाँ पर डोमेस्टिक लोन्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग सेक्टर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस, बैंकिंग सेक्टर के फॉर्म में आपको बतानी है, बताइए। क्या होगा इसका आंसर?
राइट आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ये रिजर्व बैंक प्रोवाइड करती है इस तरह की सर्विस को, फास्टर पेमेंट के रिगार्डिंग है, जो फास्टर पेमेंट की बात हो या कलेक्शन की बात हो। ईसीएस जो है वो पे इंटरेस्ट डिविडेंड्स, मतलब पेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए, डिविडेंड्स के लिए, इस तरह के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन क्रिमिनल्स यूज इनोसेंट पर्सन्स डिटेल्स टू ओपन और यूज एन अकाउंट टू कैरी आउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, इट इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखिए इसको बोलते हैं फिशिंग। फिशिंग के अंदर आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के लिए। जब भी आप किसी भी साइट से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करते हैं तो वहाँ पर आप अपना इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे डालते हैं, जैसे कि एटीएम की सारी वहाँ पे पूछा जाता है आपसे, आपके कार्ड के नंबर, आपका नाम, तो इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, थर्ड पार्टी या फिर जो हैकर्स होते हैं वो वहाँ पर आपको क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस, फिर आपको कॉल करके या फिर किसी भी तरह से वो आपके अकाउंट जो होता है उसको वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ये हमारी फिशिंग कहलाती है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ए, 1944। इसका देखिए मेन ऑब्जेक्टिव भी आप याद कर लीजिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो भी इसकी कंट्रीज हैं, जो भी कंट्रीज हैं यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराना और उनको रिस्टैब्लिश करना अगर किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके डेवलपमेंट में। और इसका जो हेडक्वार्टर भी बहुत पूछा जाता है के एग्जाम में, तो वो भी नोट कर लीजिए, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। जल्दी बताइए, बहुत सिंपल है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक करती है ये काम, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है नर्सिंगम कमिटी वॉज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स, टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स या फिर मेडिकल फैसिलिटी रिफॉर्म्स। आज हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ज़्यादा डिस्कशन ले लिया, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, आपको पसंद आ रही है तो, और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जल्दी से आंसर करिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा सी, बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है ये। इंडियन गवर्नमेंट ने डिफरेंट कमीशंस इसके लिए यहाँ पर फॉर्म किए थे, बैंकिंग सिचुएशन की एनालिसिस करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें सबसे ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट है एम नर्सिंगम कमीशन या फिर कमिटी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:5, 1:3 एंड 7:15 रेस्पेक्टिवली। जेड रिटायर्स एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय अब बाय एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 3:2, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले करा चुकी हूँ। जल्दी से बताइए, मैं ये आपको एक होमवर्क दूं क्वेश्चन। देखते हैं आपको पहली वाली क्लास का समझ में आया या नहीं, बताइए। एक एक होमवर्क लीजिए, एक क्वेश्चन होमवर्क करिए, ठीक है, प्लीज। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, एक करिए, ठीक है, नहीं तो मैं इसी को आज जो हमारी इवनिंग क्लास होगी उसमें पक्का सॉल्व करा दूंगी। और आप इवनिंग क्लास से पहले तक जितना हो सकता है इसको सॉल्व करके या तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पर भेजिए प्लीज़। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग इतनी मेहनत करेंगे तो। प्लीज़ आपको ये करना है क्वेश्चन, एक होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इवनिंग की क्लास में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये वाला कर लेते हैं, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2,
सी इज एडमिटेड विद वन बाय थ्री शेयर इन द प्रॉफिट, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बताइए। देखिए संग में करते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। माना उसका प्रॉफिट कितना है, टोटल वन। अब इसमें से थ्री का सी कितना पार्ट लेगा, वन बाय थ्री, एक में से तो बचा हमारे पास कितना, टू बाय थ्री। अब टू बाय थ्री बचा है तो ए का शेयर कितना है, पहले थ्री टू फाइव, तो ये ए का शेयर है थ्री टू फाइव। अब जो नया प्रॉफिट आएगा वो ये लोग कितना लेंगे, टू टू थ्री में से, ठीक है। अब इसको आप क्या करिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीन दूनी छः और पाँच तिया पंद्रह, ठीक है। अब बी का शेयर देखिए, बी का कितना है, टू टू फाइव, और ये टू टू थ्री में से भी लेगा, तो ये कितना हो गया, टू टू फोर, फाइव का थ्री से मल्टीप्लाई किया फिफ्टीन, तो ये कितना बचा, सिक्स और फोर, तो यानी इनका न्यू रेशियो क्या हो गया, सिक्स फोर, ये इसका हो गया सिक्स बाय फिफ्टीन, इसका हो गया फोर बाय फिफ्टीन, और इसका हो गया वन बाय फिफ्टीन कर लीजिए या थ्री कर लीजिए, ठीक है। तो ये टोटल रेशियो कितना निकल कर आया, तो देखिए यहाँ पर वन बाय थ्री यानी कि थ्री हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको करिए, पाँच फाइव थ्री जा, फाइव थ्री जा, और ये थ्री फाइव का इससे करेंगे, थ्री का इससे, तो वन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, सिक्स फोर एंड थ्री, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, फाइव होगा क्योंकि ये फाइव थ्री जा हमने कराया, ये भी फाइव थ्री जा कराया, और ये यहाँ पर फाइव से इसको काटेंगे तो ये फाइव वन जा क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, तो सिक्स फोर फाइव हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेस्ड असेट्स वर्थ रुपीज 28,80,000, द कंपनी पेड द परचेस कंसिडरेशन बाय इशूइंग डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 4% डिस्काउंट, द नंबर ऑफ डिवेंचर्स इश्यूड टू वेंडर ऑफ असेट्स इज, कितना उसे परचेस कंसिडरेशन देना होगा वेंडर को, बताइए, यानी कितने रुपए के डिवेंचर उसको इश्यू करने होंगे। बहुत सिंपल है ये, देखिए पहले तो आप ये देखिए कि उसको टोटल कितना अमाउंट देना है, 28,80,000 देना है, और यहाँ पर क्या कहा है, 100 ईच है, 4% ऑलरेडी डिस्काउंट है, तो 100 में से 4% आप निकालेंगे, कितना बच्चा, 96, यानी कि 96 रुपीज है, तो अब 96 को इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे काटेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा 30,000, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, किसी भी तरह का डाउट है जरूर बताइए। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है प्लीज जरूर करिएगा। नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।